नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फाइनली दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी नई भर्ती का जो इंतज़ार है वो लाखों स्टूडेंट को है कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो यहाँ पे कब तक निकाली जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि फरवरी मार्च के अंदर ही आपके दिल्ली पुलिस के रिजल्ट जारी हुए थे, ठीक है, और 2024 की जो भर्ती थी वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब ऐसे में जो डाउट है वो ये बना हुआ है कि आखिरकार अब दिल्ली पुलिस की जो है नई भर्ती है 8,000 से 9,000, 10,000 जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे कब तक जारी हो सकती हैं, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, और एज लिमिट का जो सबसे बड़ा डाउट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में सारी की सारी अपडेट देखने वाले हैं कि क्या दिल्ली पुलिस के अंदर किस प्रकार से जो भर्तियाँ हैं वो इसी समय आपकी आ सकती हैं या फिर आपको कुछ समय का यहाँ पर इंतजार करना होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई भर्ती उससे रिलेटेड सारी की सारी जो अपडेट है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की नई भर्ती के बारे में, लेकिन यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे कांस्टेबल की रहने वाली है, यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर अपन यहाँ पे कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है, नया नोटिफिकेशन है, वो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 या फिर 2025 में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी आपका जा सकता है, यानी कि आपकी 2024 की जो वैकेंसी थी वो आपकी जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपकी जो भर्ती है क्या लास्ट क्वार्टर तक 2024 में जाने वाली है या फिर 2025 के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी, या फिर आपको यहाँ पे जो है जुलाई अगस्त के सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो आज के इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मेनली जो अपडेट हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं, कितनी क्या वैकेंसीज निकलेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एज लिमिट जो है क्या रहने वाली है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 8,000 से 9,000 बताई जा रही हैं, यानी कि 8,000 के समथिंग आपकी जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगर आप यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स आर्ट्स यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने सिंपली 12th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है आप सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट का जो लफड़ा है वो मैंने आपको बता दिया है, सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो ये होता है कि एज लिमिट क्या रखी जाएगी। तो 18 से 25 साल जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तब आपको यहाँ पर जो है एज लिमिट काउंट देखने को मिलेगी, यानी कि जिस मंथ से आपकी जो एज लिमिट है वो आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एज लिमिट है वो रखी जाएगी। अब डाउट ये है कि आपकी जो वैकेंसीज़ है वो कब तक निकलेगी, तो उसके बारे में भी देखने वाले हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है आप एज लिमिट को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, और फाइनल आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, और 4 प्रोसेस के अंदर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट करवा ली जाती है। ऑफिशियली वेबसाइट की अगर बात करें तो SSC के थ्रू ही आपके दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम्स है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो कितनी क्या वैकेंसीज निकाली जा सकती हैं, कौन कौन से कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल की, EWS की, OBC की, SC की, ST की जो सारी वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आपको एक्सपेक्टेड बताई जा रही है कि इतनी जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे निकाली जा सकती हैं, ठीक है। हालांकि वैकेंसीज़ आपकी कितनी क्या निकलेंगी वो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अंदर ही आपको पता चल सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो मेनली जो अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस प्रकार से रहेगा, एज लिमिट आपकी जो है किस प्रकार से देखने को मिलेगी, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछ भी सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे कब तक जारी हो सकती है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2024 की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है फरवरी मार्च के अंदर। अब आपको जो वैकेंसीज़ है वो 2025 के देखने को मिलेगी, यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 यानी कि 2024 के एंड तक भी आपको जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है, यानी कि दिसंबर के अंदर आपको जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर दिसंबर 2024 में अगर आपकी भर्ती नहीं आती है तो फिर आप 100% मान करके चलेगा आपको 2025 के अंदर जनवरी या फिर फरवरी माह के अंदर आपको जो भर्ती है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 7,000 से 8,000 पदों पर आपकी भर्ती निकाली जाएगी। अक्टूबर नवंबर से पहले आपकी जो भर्ती है वो 99% नहीं आने वाली, 1% चांसेस हैं कि आपकी आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यही हैं कि आपकी जो भर्ती है वो लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 के अंदर या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाली है। सो गाइज, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ ही सकते हैं। अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के पहले ऐसा लाइक कर लीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।